बलिया गोलीकांड में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के भाई गोविंद प्रताप सिंह समेत 7 आरोपियों को बलिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह अभी भी फरार है, जिसको लेकर पुलिस कोशिश कर रही है। अभी भी पुलिस के हाथों से बाहर है। इस बीच उत्तर प्रदेश कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से उसकी गिरफ्तारी की जाए। सीएम योगी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने जब सीएम एसडीएम को सस्पेंड किया जिनके सामने यह प्रकरण हुआ था, वहीं अब उन्होंने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने दर्जन के गाँव के सभी असलाह के लाइसेंस को निरस्त कर दिया। साथ ही आजमगढ़ जोन के आईजी सुभाष चंद्र देवी दर्जन के गाँव में काम कर रहे हैं, पुलिस को निर्देश दे रहे हैं। उधर बाद पुलिस ने आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के घर पर जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही घर की महिलाओं के खाने पर दर्ज रखा। पुलिस ने घर की खिड़की और दरवाजे तोड़ दिए, साथ ही घर में खड़ी बाइक को भी पुलिस ने तहस-नहस कर दिया। गौरतलब है कि 15 अक्टूबर की थाना क्षेत्र के दर्जन के दौरान दुकान के आवंटन को लेकर दो ग्रुपों में जमकर भिड़ंत हो गई थी, जिसमें कलंक धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्बू ने पुलिस सी और एसडीएम के सामने ही दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया और कारण तोड़ फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से प्रकाश पाल की इस घटनाकांड को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश का विपक्ष मोदी सरकार का हमला हुआ है। लाइक करें।